सीरियल देवांशी में आया है एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट। देवांशी ने बॉम्ब को डिफ्यूज करके पूरे गांव वालों की जान तो बचा ली है, लेकिन इस बहादुरी का इनाम बेचारी देवांशी को नहीं मिल पाया है। बेचारी देवांशी खतरे में अपनी जान तो डाली, लेकिन इसका इनाम किसी और को ही मिल गया। सीरियल देवांशी में आज आया है जबरदस्त ट्विस्ट। देवांशी की हिम्मत और बहादुरी वाले कारनामे पर फिर गया है पानी। आज देवांशी की बजाय कुसुम सुंदरी को मिल गया है बहादुरी का इनाम। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा ट्विस्ट है जिसकी कहानी आपको नहीं पता। हम है ना, हम बताते हैं आपको। यूमी और टीवी ने आपको दिखाया था ना कि कैसे कुसुम सुंदरी गांव वालों और देवांशी से बदला लेने के लिए कल्की के बैग में बॉम्ब प्लांट कर देती है और अपने इस जाल में वो खुद ही फंस जाती है। देवांशी कुसुम सुंदरी की इस चाल को नाकाम भी कर देती है, लेकिन यही आएगा देवांशी में अगला ट्विस्ट, क्योंकि इतनी बहादुरी दिखाने का इनाम मिल जाएगा देवांशी नहीं नहीं बल्कि कुसुम सुंदरी को। हे भगवान, ये क्या हो गया देवांशी, अब आपका क्या कहना है इस बारे में? तो ये था कुसुम सुंदरी, जैसे जेल में किसी टेररिस्ट से मिली थी तो उसने बोला था उससे कि तुम इस गांव में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, तो वो आई थी, बट लकीली बॉम्ब डिफ्यूज कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर एक्चुअली बात इस बात के लिए चल रही है कि गवर्नमेंट पैसे दे रही है उसको जिसने बॉम्ब डिफ्यूज किया है, तो वो मैंने किया है, बट उसका कोई विटनेस नहीं था। ये सो बेसिकली मैंने किया है, उसके बावजूद कुसुम सुंदरी को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। सो और उसके बाद वो मुझे एक ओपन धमकी देती है कि अब तो मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास पावर तो एनी विच वे है, तो अब देख मैं कैसे सब तबाह करती हूँ। बॉम्ब के धमाके से तो देवांशी ने बचा लिया, लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही सीरियल में आने वाला है भूत प्रेत और काला जादू वाला ट्रैक। घर में एक किताब की तलाश में आएगी कुसुम सुंदरी और फिर आएगा वो ट्विस्ट जो दर्शकों को कर देगा शॉक। आगे बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो शॉकिंग होगी आप लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर आई होप कि आप सबको अच्छी लगे। हाँ हाँ देवांशी, हम तो आगे आगे देखेंगे ही कि होगा क्या, यानी देवांशी ने इशारों में कह ही दिया कि आगे आगे देखिए होता है क्या।